गांव चंडीपुर की रहने वाली पूजा को मोटरसाइकिल चालक द्वारा टक्कर मारने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें आज सुबह सूचना मिली थी कि पूजा नाम की औरत का निधन हो गया है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। राजकुमार जी, क्या कुछ कैसे घटना घटी थी? शाम को 6:30 बजे दिहाड़ी करके आ रही थी सड़क पर, एक बच्चे का था, छोटा बच्चा, पीछे बाइक वाले बाइक मारने लगे। मैं किराए दुकान में गई, मेरे किसी ने फोन लगा, मेरे को जल्दी जल्दी आए, इसको गाड़ी में लेके हॉस्पिटल ले गए, सीओजी हरी हॉस्पिटल। 2 घंटे बाद डेथ हुई। तो बाइक के बारे में नहीं पता लग पाया? वो भाग गई। वैसे पता लग पाया कि कौन था, कौन नहीं, किसी ने भी देखा नहीं किसी ने? तो क्या कुछ अब किया जा रहा है यहाँ पे? कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस की ओर से। क्या कार्रवाई कोई बताया गया आपको? कितने बच्चे हैं? 3 गुड़िया हैं, 2 गुड़िया। आज हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव चुंडीपुर में एक लेडीज के एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई है। उसकी कार्रवाई के लिए यहां करनाल पहुंचे हैं और उनका मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम करा रहे हैं और आगामी कार्रवाई। किसी मोटरसाइकिल वगैरह ने बताया गया है किसी मोटरसाइकिल ने ना मालूम, किसी ने मोटरसाइकिल वाले ने चोट मारी है जिस कारण से उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होने लगी। कितनी उम्र थी उनकी? उम्र 27 साल। क्या करते थे पूजा? कितनी वजह अपना मेहनत मजदूरी का काम। कितने बजे की घटना बताई जा रही होगी? ये कल शाम की 6:30 बजे की घटना है। तो मौके पर ही मौत हुई या? नहीं जी, दौरान इलाज मौत हुई है, यहाँ श्री हरि हॉस्पिटल में इलाज। तो सुबह पता लगा। परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वाले कह रहे हैं जी